बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज जी माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल का दूसरा दिन है। तो ये मोई साहब है, आज मोई थोड़े से ठीक हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही, खांसी बहुत आ रही, कलर देख ले। कहता है मेरी शेव करा दो। उन्हें शेप का नहीं कहा मैंने, मशीन तो आज हमारा धर्मपुरा जो है ना, आज वो सजेगा, कल रबीउल अव्वल के तीसरे दिन सजेगा क्या सदर। सदर तो मोइज़ यानी कल सदर सजना है। कल सदर सजना है, आज धर्मपुरा सजना है। तो मोइज़ कहीं भी नहीं गया, तो धर्मपुरे मोइज़ के रहते हैं चाचू। तो हमने इसकी चाची को कल फोन, भी रात को मैंने सूट पहना, बाहर निकलते हैं तो मैंने पहना है, मतलब आधा घंटा भी नहीं, 15 से 20 मिनट पहना ही, घर में बैठा हुआ मम्मा निकलने लगे हैं। मैं कहा मेरे से नहीं जाया जाए, मैं उतार के ट्रोजर शर्ट उतार के, तो मैं जब आई बाहर से, मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, ये सोया हुआ। तो मैंने इसकी चाची को फ़ोन किया, तो वो कहती भाभी साज रहा है आज। तो मैंने कहा चले मैं आपको ना दिखा के लाती हूँ, मेरा बेटा कल कहीं गया नहीं, तो आप लोगों के लिए भी मैं अच्छा सब लोग बना के लेके आती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें। माशाल्लाह धर्मपुरा इस कदर अच्छा सजता है, मैं जब ये छोटा सा था तब देखा था, फिर उसके बाद नहीं मैं गई, क्योंकि बंदा फंस जाता है। तो आज मैं देखूंगी, अगर मेरे से अंदर जाया गया तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं इसको भेजूंगी। इसके चाचू के बेटे भी माशाल्लाह इतने इतने ही हैं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं बाज़ार में। ये देखें जी, माशाल्लाह बाज़ार कितना प्यारा उन लोगों ने सजाया हुआ है। ऊपर ये मरेले लगे हुए हैं, ये देखें कितने प्यारा लग रहा है, जगमग जग। अभी रश नहीं है क्योंकि हम टाइम से ही आ गए हैं, जल्दी जल्दी। इसके बाबा कह रहे थे हम 5-6 बजे चले जाएंगे ताकि रश ना हो। इस बाज़ार में इतना रश होता है। एक दफ़े आप जब मेरा मोई छोटा सा था ना, तब हम वहाँ ही रहते थे धर्मपुरा में, और ये धर्मपुरे वाला बाज़ार है। तो मैं हम लोग चले गए बड़े शौक शौक से, और ये देखें जी माशाल्लाह ऊपर मोर बैठे हुए हैं। ये रियल वाले हैं, ये मैं नहीं गई और मोइज़ ही बना के लाया अपने कज़न वगैरह के साथ जाके वीडियो। मैंने कहा मैंने नहीं जाना भाई, रश बहुत ज़्यादा होता है। मोइज़ और ये देखिए मोइज़ खड़ा, माशाल्लाह ये मोइज़ है, ये मोइज़ माशाल्लाह इधर जाके बाज़ार में बना के लेके आया है। वॉइस ओवर इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता, जब बाज़ार माशाल्लाह इस तरह सजते हैं तो हर बाज़ार में पता नहीं कितने लोगों ने ये नाते वगैरह लगाई होती हैं, तो उसमें हमें कॉपीराइट आ जाता है। तो इस तरह कुछ ये गलियां भी हैं, बाज़ार भी हैं, ये मोइज़ फिर के सारी बना के लेके आया है। तो हम लोग जल्दी चले गए थे, और हमारी कोशिश ये थी जल्दी जाएं और जल्दी वापस आ जाएं। और जब हम वापस आए तो हमें 10 बज चुके थे। मैं तो ऊपर रही थी इसकी चाची के पास। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी सजावट हुई हुई थी। ये भी कहता मामा हम आगे नहीं जा पाए, हम जल्दी वापस आ गए हैं जहाँ रश नहीं था। ये बिल्कुल 6-7 का टाइम था, अभी ये सजा रहे थे। तो जब हम वापस आए तो हम बाज़ार की तरफ नहीं गए, गलियों में से आए। तो फिर गलियों में से भी हमें 1.5 से 2 घंटे लग गए निकलते निकलते। और मैंने अपनी छोटी सिस्टर को फ़ोन किया भी आप लोग भी उधर आ जाएं, और वो लोग गए तो कहते भाई बाज़ार बंद कर दिया उन लोगों ने, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। तो वो फिर वापस आ गए। हमने तो फिर भी इतना जाके बना लिया और देख लिया माशाल्लाह। और इस बाज़ार में ही घर है मोइज़ के चाचू का ना, और हम लोग ऊपर टेरेस में खड़े हो के ना देखते थे, नीचे मार्केट थी ऊपर घर है। तो लंगर लोग बांट रहे थे, भटूरे थे, नान हलवा था, नान खीर थी और जूस थे। और मैंने वो भी वीडियो बनाई है, वो यकीन करें औरतें मर्द लाइनों में लग लग के बड़ी खुशी खुशी से ये लंगर लेते हैं। बहरहाल हमें आदत नहीं है, ना हम लेते हैं ना हमारे बच्चे जाते हैं। हम हर बंदे की अपनी आदत होती है, हम किसी को नहीं कहते भी क्यों जाना चाहिए। तो हम लोग माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह ये किराने पाक खोल के रखा हुआ है उन लोगों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मोइज़ इसी तरह गया, और इसके 2-3 कज़न थे साथ, वीडियो बना के ले आए। तो बड़ी खूबसूरत मुझे चीज़ें लग रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। क्योंकि यकीन करें ये बहुत रश में जा के हम लोगों ने बनाई है, आप लोगों के लिए भी आप लोग नई नई चीज़ें देखें। तो रश में वीडियो बनाने का तो यही मतलब है ना भाई, कोई हमारा फ़ोन छीन के ले जाए। वही मेरी देवरानी कह रही थी,
भाभी आप ना फोन मुइज को दे के भेज रहे हैं, तो कुछ छीन ही ना ले। परसों कहती मेरा भांजा आया तो उसके हाथ से इसी तरह मोबाइल कुछ छीन के ले गया। तो मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अगर हमारा होगा तो नहीं जाएगा। तो मुइज ले आया माशाल्लाह सही सलामत घर में। ये गली है तो इसी तरह गलियों में इतना रश था। हाँ मुइज कह रहा है यहाँ पे ना जलसे हो रहे थे, यानी कि जिस तरह जुलूस निकालने हैं ना, वो मेरे मतलब बच्चे कह रहे थे, दूसरे मेरे देवर के कह रहे थे, ताई अम्मा ये ना रात को यहाँ पे जुलूस निकलने हैं बड़े बड़े, आप मुइज को रहने दें। मुइज की तबीयत ख़राब थी, फिर मैं ले आई थी ये देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग इन्जॉय करें, मैं आगे ना नात लगा देती हूँ, कुछ भी लगा देती हूँ, क्योंकि वो जो नातें थी लगी हुई थी उन पे तो कॉपीराइट मस्ट है पक्का है। ये देखे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं बग्गी पे बैठ के इस तरह के। अच्छा मैंने भी वीडियो नहीं देखी, मोइज ने अभी सेव की है, तो मैं अब देख रही हूँ वॉइस ओवर सारा करते हुए। जुलूस है, ये सारा जुलूस है मोइज माशाल्लाह बना के लेके आया था। मैं आधे जुलूस की बनाई, काफी लंबा था, फिर मैं यहीं से ये वापस हो देखे गया था मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब तो मेरा हक बनता है भी आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो आगे आगे शेयर करें। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में सारा कुछ है, उनके प्यार में। तो वो किसी चीज़ हम लोग चीज़ों को अहमियत देते हैं, तो ये देख लो इन लोगों ने, यकीन कर इतनी देगें पक रही थी उधर, मैंने देखा कल देगें इतनी 50 50 60 60 देगें लोग बना रहे थे, और लोग पहले ही जमा हुए थे खाने के लिए। तो ये लोग इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, ये चीज़ों को देते हैं। हम अपने नबी पाक सल्लम की शान में सारा कुछ कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी चीज़ें हैं, ढोल बाज रहे थे। तो बस शोर बहुत ज़्यादा था, बहरहाल लड़के बहुत होते हैं ये ना, मुझे उनका भी दिल करता है। हमारे भी सारे बच्चे उधर वाइट सूट पहने सब खड़े हुए थे, मार्केट में गा रहे हैं उनका नीचे खड़े थे, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा इसी तरह सब लड़के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, लड़कियां भी लड़के भी औरतें मर्द सब। तो मैं तो बाहर कभी नहीं गई थी, इस दफ़ा इसलिए जा रही थी भी आप लोगों के साथ बना के लाऊं शेयर करूं, पर मैं कोशिश कर रही हूं, अल्लाह पाक कामयाबी देगा इंशाल्लाह। ये देखे बच्चे माशाल्लाह। عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا سل يا آدم محمد السلام عليك يا رسول
बंद करके बांध।